देवास जिले के अंतिम छोर पर मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पर बसे नेमावर नगर में एकमात्र ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां सेवा की मिसाल बन चुके चिकित्सक डॉक्टर जीवन यादव। इनकी कार्य करने की लगन और शैली के कारण जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों के दिल में जगह बनाई, वहीं शासन प्रशासन की योजना को भी धरातल पर पहुंचाकर आमजन को लाभान्वित किया। डॉक्टर जीवन यादव को सुरक्षित गर्भपात में उनकी दक्षता से अभिभूत होकर पूर्व में 27 जनवरी 2017 को भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के मिशन संचालक किरण गोपाल द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे मरीज संतुष्ट होकर जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक डॉक्टर जीवन यादव 2013 में आए थे। तब से लेकर आज तक डॉक्टर यादव की लगन, मेहनत, परिश्रम और कार्यशैली के साथ उनके सतत प्रयासों से स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के लिए अनेक व्यवस्था जुटाई गई। जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसी दौरान में मैं अपने स्तर पर और मेरी टीम स्वास्थ्य विभाग की अपने स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वच्छ अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत आने वाले मरीजों को हाइजीनिंग की पूरी सुविधा मिले और उन्हें संक्रमण से रोका जाए, इसलिए मैं यह अभियान चला रहा हूँ। मुझे भी सरकार द्वारा ही यह सीखने को मिला हुआ। किस प्रकार की रूपरेखा है उसकी? जिस प्रकार से डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रहा है उस कारण से हरे पेड़ पौधों में कमियां आई हैं, उसी को देखते हुए मैंने गार्डन डेवलपमेंट करने का विचार बनाया है और मैं कंटिन्यू उस प्रोसेस में लगा हुआ हूँ और बहुत जल्दी मैं पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छे पेड़ मिले और मरीजों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। दोपहर न्यूज के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।